हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सूरज। और क्या आपको पता है, साल 2015 से पहले तक प्लूटो का लिया गया सबसे अच्छा तस्वीर ये था, जिसमें हम प्लूटो को साफ तरीके से नहीं देख सकते, जिसका कारण है कि प्लूटो का आकार बेहद ही छोटा होने के साथ साथ ये हमसे बेहद ही ज्यादा दूरी पर मौजूद है। लेकिन नासा के न्यू होराइजन के लॉन्च होने के बाद ये दूरी और साइज का प्रॉब्लम लगातार कम होता चला गया, और फिर 14 जुलाई साल 2015 को यह दूरी और साइज का प्रॉब्लम पूरी तरह से खत्म हो गया, जिसका कारण था कि इस दिन न्यू होराइजन प्लूटो के सबसे नजदीक से गुजरा था। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसे यहाँ तक पहुँचने में किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा था। क्या आपको पता है, इसके यहाँ पहुँचने के 10 दिन पहले ही स्पेसक्राफ्ट से नासा का संपर्क पूरी तरह से टूट गया था, जिसका कारण पाया गया टेक्निकल प्रॉब्लम। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने हार ना मानते हुए केवल 3 दिन के अंदर ही पूरे सिस्टम को रीसेट करके इस पूरी टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, और जिसका नतीजा निकला कि हमें हर रोज प्लूटो की एक डिटेल तस्वीर मिलने लगी, और करीब 1000 तस्वीरें न्यू होराइजन के द्वारा प्लूटो की साफ सुथरी तस्वीरें हमें भेजी गई। हालांकि और भी कुछ चीजों के ऊपर न्यू होराइजन रिसर्च कर रहा था, जिनके जरिए हम प्लूटो को करीब से जान पाए हैं। साथ साथ में इसने हमें कुछ ऐसी जानकारियां भेजी जो कि बेहद ही इंटरेस्टिंग हैं, जिन्हें आपको जरूर जानना चाहिए। लेकिन उससे पहले, वीडियो खत्म होने के बाद आप हमारे नए चैनल अल्फाबिट को सब्सक्राइब जरूर करना। 14 जुलाई साल 2015 जब हमारा न्यू होराइजन प्लूटो के सबसे करीब से गुजरा था, और इस समय प्लूटो की सतह से न्यू होराइजन के बीच की दूरी थी 12,500 किलोमीटर, और इतनी ज्यादा दूरी होने के बावजूद भी यह प्लूटो की सतह की साफ सुथरी तस्वीर लेने में सफल हुआ, जिसका कारण है इसके अंदर लगा हुआ पावरफुल टेलीफोटो लेंस, जिसका नाम है लॉरी, जो इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि एक नॉर्मल सैटेलाइट जब धरती के 400 माइल्स की दूरी से जो तस्वीर निकालता है, वही सेम तस्वीर लॉरी 7000 माइल्स की दूरी से ही आसानी से निकाल लेगा। और इसके एज ए रिजल्ट हमें मिली यह तस्वीर, जिसमें हम आसानी से देख सकते हैं कि इसमें एक वाटर आइस माउंटेन मौजूद है, साथ साथ में इसके नजदीक ही मौजूद एक वोल्केनो या कहें तो ज्वालामुखी जैसी संरचना भी हमें दिखाई दे रही है। लेकिन आपको मैं यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पर जिसे मैं वोल्केनो बोल रहा हूँ, वो एक सचमुच का वोल्केनो नहीं है, बल्कि यह एक हीट का सोर्स है जो कि प्लूटो पर मौजूद है। और हमारे वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया है कि यह वाटर आइस माउंटेन और वोल्केनो प्लूटो के सरफेस पर सौरमंडल के जन्म के वक्त से ही है। और हमारे वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया कि शायद भविष्य में यह वोल्केनो या कहें तो हीट सोर्स यहाँ के इस वाटर आइस माउंटेन और अन्य आइस को पिघलाकर प्लूटो के नीचे एक अंडरग्राउंड वाटर का समुद्र बना सकता है, जिसके अंदर भविष्य में एलियंस लाइफ भी पनप सकती है। तो दोस्तों, ये तो था पहला फैक्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि प्लूटो की सतह पर एक दिल जैसी संरचना मौजूद है, तो क्या आप बता सकते हो कि आखिर यह किस कारण है? तो न्यू होराइजन के जरिए हमें पता चला कि इसकी सतह पर माउंटेन्स, आइस प्लेट्स, ग्लेशियर्स एटसेट्रा मौजूद हैं, जिनमें पहाड़ों की ऊंचाई लगभग 10,000 फीट जितनी है, और इस पर मौजूद कोल्ड आइस इसके एक छोर पर इस तरह ढली हुई है कि वो इत्तेफाक से एक हार्ट की शेप में ढल चुकी है। इसके अलावा हमें होराइजन के जरिए इसके मून्स की भी जानकारी बरामद हुई, जिसमें सबसे शॉकिंग था इसका एक चांद चेरोन, क्योंकि इसका डायमीटर लगभग 600 किलोमीटर है, और वहीं प्लूटो का डायमीटर लगभग 1200 किलोमीटर के जितना है। बाकी इसके सभी चांद साइज की तुलना में प्लूटो के मुकाबले बेहद ही ज्यादा छोटे हैं। तो जैसा कि मैं आपको हमारी फैक्ट की सीरीज में बता चुका हूँ कि किसी भी ग्रह के चांद उसके आकार की तुलना में बेहद ही छोटे होते हैं, जैसे हमारे जुपिटर, मार्स और नेपच्यून के। लेकिन हमारी धरती का चांद और प्लूटो के चांद चेरोन का साइज सामान्य से कहीं अधिक ज्यादा है, जो हमें एलियंस की ओर इशारा करता है, भगवान करे ऐसा हो या ना हो। इसके अलावा क्या आपको पता है, हमारे न्यू होराइजंस के जरिए ही सबसे पहले हमें पता चला था कि इसके छोटे साइज और कम ग्रेविटी के कारण ही प्लूटो का एटमॉस्फेयर इसके सरफेस से बेहद ही ज्यादा ऊंचाई तक फैला हुआ है, जिसमें लगभग 20 अलग अलग प्रकार की एटमॉस्फेयर की परतें मौजूद हैं। और क्या आपको मालूम है, यहाँ प्लूटो पर इसका एटमॉस्फेयर प्रेशर भी धरती से लगभग 1,00,000 गुना कम है। इसके अलावा क्या आपको पता है
प्लूटो सूरज की परिक्रमा गोलाकार नहीं बल्कि अंडाकार रूप में करता है, जिसके कारण प्लूटो सूरज का एक चक्कर पूरा करने में दो बार सूर्य के नजदीक आता है और दो बार सबसे दूर जाता है। जब प्लूटो सूरज के सबसे ज्यादा दूर होता है तो उनके बीच की दूरी होती है लगभग 731 करोड़ किलोमीटर और सबसे नजदीक की दूरी होती है लगभग 443 करोड़ किलोमीटर। लेकिन दोस्तों, इतना वीडियो देखने के बाद आप सभी के मन में ये सवाल जरूर होंगे कि भाई आपने ना तो प्लूटो की खोज के बारे में कुछ बताया और ना ही ये बताया कि इसे हमारे सौरमंडल की ग्रहों की लिस्ट से क्यों निकाला गया था। तो दोस्तों, यदि आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देखिए, इससे आपके मन में उठ रहे सवाल क्लियर हो जाएंगे। बस आपको करना ये है कि ऊपर आई बटन पर क्लिक कर दीजिए, वहाँ वीडियो मौजूद है। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। और अभी तक आपने हमारे चैनल के साथ साथ हमारे नए चैनल अल्फा बिट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।